ये हैं हमारे शिप के कप्तान और चीफ इंजीनियर जो इस समय डेक राउंड पे हैं। और आप सबको हेलो जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया हैं? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। वॉइस ओवर के दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर किसी के मन में अभी तक ये ख्याल आ चुका है कि मेंडी भाई शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके जवाब में मेरे पास दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न्स, बिज़ी टाइम शेड्यूल, जिस वजह से ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए वॉइस ओवर ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरा रीज़न, मेरा चैनल, मेरी मर्जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई वॉज जस्ट जोकिंग, फर्स्ट रीज़न ही मेन है। एनीवेज, तो हमारा और आपका प्यारा विष्णु मुंबई पोर्ट से घर जा चुका है और ये टग बोट हमें पोर्ट से भेजने के लिए आ चुकी है। रात के करीब 12 बज रहे हैं और हमें डीप सी में जाते जाते अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी। एंकर पॉइंट पे पहुंच के हमने जैसे ही एंकर डाला, एंड देन वी वेटेड फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शंस। इस व्लॉग को शूट करते समय वेदर काफ़ी नॉर्मल था और सी एकदम काम, बोले तो शांत। सो द कैप्टन डिसाइडेड टू डू अ लाइफ बोट लोअरिंग ड्रिल, जिसके ऊपर आज का वीडियो है। एंड दिस ड्रिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिल ऑन बोर्ड द शिप। लाइफ बोट्स शिप में सेफ्टी डिवाइसेस का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। इन केस ऑफ एन एमरजेंसी वी यूज लाइफ बोट टू गेट आउट ऑफ द शिप एंड सेल टूवर्ड्स लैंड और वेट फॉर द रेस्क्यू। अब ऐसी सिचुएशन आई प्रे टू गॉड किसी भी सी फेयर को ना देखनी पड़े, लेकिन इट इज़ टू रिमेंबर दैट लाइफ बोट्स आर द लाइफ सेवर्स एट सी। तो सभी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एंड क्रू लाइफ बोट लोअरिंग के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस पर पहुंच गए। अब स्टारबोर्ड यानी राइट साइडेड लाइफ बोट पहले लोअर होगी, फिर पोर्ट यानी के लेफ्ट साइड लाइफ बोट, और इनमें सेकेंड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर और तीन क्रू मेंबर जा रहे थे और ड्रिल लीड कर रहे थे हमारे चीफ ऑफिसर साहब। हम लोग ट्रेन हो गए, इसमें आराम से घूमते जाएंगे। आप जाइए ना, जैसा मैं जाऊंगा अभी। ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ पता है? मैं भी शायद ना आऊँ वापस। इसके बाद लाइफ बोट इंजन ट्राई आउट हुआ एंड देन लोअरिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। लाइफ बोट झूले की तरह जैसे ही हिली तो अंदर दर्शकों में भारी खुशी देखने को मिली, लेकिन चीफ साहब इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। लाइफ बोट थोड़ा ज़्यादा रोल कर रही थी, तो चीफ साहब ने सेकंड ऑफिसर को हुक बाहर देने के लिए कहा, जिससे रोलिंग थोड़ी कम की जा सके।
रोलिंग जैसे ही कम हुई, लाइफ बोट को फर्दर इंस्ट्रक्शन के बाद वाटर लेवल तक लोअर किया गया। पे वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम और इंजन, लाइफ बोट का इंजन फिर से ट्राई आउट किए गए। साथ ही लाइफ बोट में लगे दो मेन हुक्स को ओपन और क्लोज किया गया। सब कुछ ट्राई आउट होने के बाद कैप्टन की कंफर्मेशन ली गई और लाइफ बोट को वापस हीव अप यानी अप लिया गया। और यही सेम प्रोसेस पोर्ट साइड लाइफ बोट के साथ भी ट्राई हुआ। काम सी में लोअरिंग ऑपरेशन एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक स्पेशल चीज़ है, क्योंकि काम सी यानी कि शांत समंदर, उस वजह से लोअरिंग और हीविंग अप बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा, जिनको भी रोलिंग से लाइफ बोट में जाने की प्रॉब्लम होती है वो भी इस चीज़ से बच जाते हैं। अगले ही दिन वी वर ऑन आवर वे टू न्यू मैंगलोर, जहाँ से हमें लोडिंग करनी थी। तो ये था सी लाइफ का एक और एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और मैं हर एक ब्लॉग्स में ट्राई कर रहा हूँ कि चैप्टर 2 में अपनी सी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलें। एंड आई होप यू ऑल आर वॉचिंग न्यू थिंग्स इन माई वीडियो। सो इन द एंड आई थिंक यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कोविड 19 से बचें, अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर।